नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना और वैदिक पंचकवि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और हर कोई दिवाली की तैयारी करने में लगा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था, भारत में अलग अलग त्योहारों में अलग अलग खान पान किया जाता है। और अगर हम गौर से स्टडी करते हैं तो अलग अलग त्योहारों में हम अलग अलग पदार्थ इस्तेमाल करके, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। जैसा कि दीपावली में हम तेल और घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, संक्रांति पे तिल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें या फिर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि बहुत ही समझदारी से हमें दी है। दोस्तों, पूरे साल भर में अलग अलग ऋतु में या फिर अलग अलग मौसम में, जैसे बरसात का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, तो अलग अलग ऋतु में हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ की परिस्थिति जो होती है या फिर स्थिति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कभी वात बढ़ा हुआ होता है, कभी पित्त बढ़ा हुआ होता है या फिर कभी कफ बढ़ा हुआ होता है। तो मौसम के बदलने की वजह से या फिर ऋतु के बदलने की वजह से जो भी त्रिदोषों में जो असंतुलन निर्माण होता है, त्रिदोषों का जो प्रकोप होता है, उससे हम बचे रहे, उसे हम अवॉइड कर सके, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति में अवेलेबल जो भी व्यंजन है उनका इस्तेमाल करके हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनाना सिखाया है जिनके इस्तेमाल से हम हमारे त्रिदोष को संतुलन में रख सकें या फिर हमारे त्रिदोष का प्रकोप होने से हम बच सकें। तो दिवाली में की जाने वाली हमारे आरोग्य हेतु कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अभ्यंग स्नान, दीप प्रज्वलन और फरा। जी हाँ, ये तीनों भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमें इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल करना चाहिए, हर दिवाली में करना चाहिए। फरा का नाम सुन के आप सब बहुत खुश हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, फरा जो होता है हम सबको करना चाहिए, चाहे छोटे हो बड़े हो, घर में बना हुआ शुद्ध और सात्विक फरा हम सबको एंजॉय करना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है और बहुत फ़ायदेमंद है, और किस प्रकार है ये आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। दोस्तों, दशहरे के बाद में ऋतु में बदलाव की शुरुआत होती है, मौसम में बदलाव आने लगता है, ठंड ज़्यादा बढ़ने लगती है और ठंड की वजह से हमारे शरीर में वात ज़्यादा बढ़ने लगता है। और वात को कम करने का सबसे आसान एक तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे खाने का शुद्ध तेल या फिर देसी गाय का शुद्ध घी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। और अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे दिवाली के जितने भी व्यंजन, फराल के जितने भी व्यंजन हम बनाते हैं, जैसे शक्करपारा हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, करंजी, चिवड़ा, जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सारे एक तो बहुत डीप फ्राइड होते हैं या फिर बहुत सारा घी डाल के बनाए हुए होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये दिवाली का फराल आप सेवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा इट हेल्प्स रिड्यूसिंग वात इन आवर बॉडी। तो उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी में वात कम होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा शुद्ध तेल और शुद्ध घी आपके बॉडी में जा रहा है। तो अगर आप चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो या फिर कोई बीपी पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, बिना हिचकिचाए आपको ये घर पे बना हुआ शुद्ध सात्विक फरा आपको दिवाली पे बिल्कुल खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ, जब मैं फरा की बात कर रही हूँ तो फरा जो होना चाहिए वो आपके घर पर बना हुआ होना चाहिए। फराल के लिए तेल जो आप इस्तेमाल करेंगे वो शुद्ध कच्ची घानी का तेल ही होना चाहिए, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड या फिर कोई पाम ऑयल, डालडा, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको यूज़ करना है एक तो कच्ची घानी का शुद्ध तेल इस्तेमाल कीजिए या फिर देसी गाय का शुद्ध घी इस्तेमाल कीजिए, भैंस का घी नहीं या फिर जर्सी का मार्केट में मिलने वाला, पैकेट में मिलने वाला वो कोई भी घी नहीं चलेगा। और मार्केट में मिलने वाली मिठाइयाँ जब आप खरीदते हैं तब भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि मार्केट में होता क्या है दिवाली के टाइम पे, क्योंकि इन मिठाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दूध जो होता है वो तो वैसे भी मिलावट वाला ही मिलता है पैकेट्स में, पर दिवाली के टाइम पे दूध की क्वालिटी, तेल की क्वालिटी, घी की क्वालिटी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपके घर में जो मिठाइयाँ आती है उसमें जो घी और तेल इस्तेमाल होता है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल होता है, उसमें जो दूध इस्तेमाल होता है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल होता है। तो ये मिलावट वाली चीज़ें खाने से अच्छा है कि आप घर में शुद्ध देसी गाय का घी लेके आइए, शुद्ध देसी गाय का दूध लेके आइए, कच्चे घानी का तेल लेके आइए, आप सब मिलके घर के सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए आप, और आप सब मिला के फराल बनाइए और सब खाइए, तभी उसका मज़ा है। और तो और मार्केट से जो भी मिठाइयाँ हम लाते हैं उसमें, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक टिक सके, ज़्यादा दिन तक रह सके, इसलिए उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, एडिशनल कलर्स और एडिशनल शुगर्स भी मिलाए जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही ये सारी चीज़ें लाके अपने हाथों से फरार बनाइए जो उतना ही प्योर हो जितना आपके बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। और दोस्तों, जब भी हम शुद्ध कच्ची घानी का तेल लाते हैं और उसका सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है,
गुड फैट्स बढ़ते हैं, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी में एचडीएल बढ़ता है, और जब भी हम रिफाइंड तेल या फिर मार्केट में मिलने वाला डबल ट्रिपल रिफाइंड कोई भी तेल खाते हैं तो हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक। तो अगर आपको अपने हार्ट को स्ट्रांग रखना है, अगर आप चाहे हार्ट पेशेंट भी हो, तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको कच्चे खाने के शुद्ध तेल का ही इस्तेमाल करना है, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि भाई हम तो पहले से ही डाइटिंग कर रहे हैं, हम तो वैसे भी फूड में कटआउट कर रहे हैं क्योंकि हमें वज़न कम करना है, तो हम फराड़ कैसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे वज़न कम करना है तो मैं फ़ैट खाना छोड़ दूँगी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऐसा अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपको बॉडी को ही हार्मफुल होने वाला है। तो इसेंशियल फ़ैट्स जो आपके बॉडी को ज़रूरत है, वो आपको खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसेंशियल फ़ैट्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? ये जो ज़रूरी फैट्स हमारे बॉडी के लिए है, वो आपको शुद्ध तेल और शुद्ध घी के द्वारा ही मिलने वाले हैं। तो चाहे आप कोई भी डाइट कर रहे हो, लो कैलोरीज, लो प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी आपकी डाइट हो, कुछ भी डाइट प्लान हो, सब दिवाली के टाइम पे एटलीस्ट 4 से 5 दिन सब भूल जाइए और जम के फराल खाइए। हाँ, ये सब खाते वक्त आपको क्या अवॉइड करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आजकल टीवी में बहुत एडवर्टाइज चलता है कि दिवाली के टाइम पे खुशियाँ बांटो, चॉकलेट बांटो। क्या मतलब, इसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है। चॉकलेट्स खाने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है? दोस्तों, जब हम शुद्ध घी, शुद्ध तेल खाते हैं, हमारे बॉडी को ल्यूब्रिकेंट्स मिलते हैं, हमारे बॉडी में इसेंशियल फैट्स मिलते हैं, हमारा वात कम होता है। उसके पीछे एक रीज़न है, दिवाली के टाइम पर जब हम फराल खाते हैं उसके पीछे एक रीज़न है। पर अब जो एडवर्टीजमेंट में दिखाना शुरू किया है कि दिवाली के टाइम पर खुशियाँ बांटो, चॉकलेट्स बांटो, कपकेक्स बांटो, दोस्तों दिवाली के टाइम पे यू मस्ट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इसमें जो दूध यूज़ होता है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का यूज़ होता है, और दिवाली के टाइम पे क्योंकि इसकी डिमांड और बड़ी हुई होती है, तो और ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का दूध इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि चाहे घर में बना हुआ फराड़ आप कितना ही दबा के क्यों ना खा ले, पर मार्केट में मिलने वाला चॉकलेट, कैडबरीज, फैमिली पैक बिल्कुल नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप हार्ट पेशेंट हो या फिर बीपी के पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट हो, ये सारी चीज़ें आप 100% अवॉइड करें, 200% अवॉइड करें। आप क्या खा सकते हैं, आप दिवाली का फराड़ 100% एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, दिवाली का फराड़ खाने का और एक फ़ायदा है कि दिवाली के फराड़ में हम बहुत सारा तेल और घी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में वात कम होता है, और ना ही सिर्फ वात कम होता है बल्कि वात की वजह से होने वाले 80 प्रकार के रोग जैसे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सिर दर्द, ऐसे कई रोगों को हम ठीक कर सकते हैं या फिर उनसे हमें इजाद मिल सकती है। और ना ही सिर्फ वात कम होता है, पर क्योंकि हमारा वात कम होता है, हमारे बॉडी में ड्राइनेस कम हो जाती है, तो हमारे स्किन में भी ग्लो आता है, क्योंकि इस पीरियड में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तेल और ज़्यादा से ज़्यादा घी अगर हम खाते हैं तो हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हमारे स्किन के लिए भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि हमारे पूर्वज या फिर हमारे दादी, नानी, परदादी जो भी थे, वो सब जम के फराड़ खाते थे, बहुत सारा तेल इस्तेमाल करते थे, बहुत सारा घी इस्तेमाल करते थे। पर होता क्या था, उस टाइम पे शुद्ध कच्चे घानी का तेल मिलता था, देसी गाय का घी मिलता था। तो इतना सारा तेल और इतना सारा रॉ या फिर सिर्फ फिल्टर तेल खाने के बाद भी उनको कभी हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम हमारे तेल में है, हमारे घी में है, हमारे दूध में है, कि रिफाइंड तेल, डबल ट्रिपल रिफाइंड तेल खा के भी हमको हार्ट अटैक हो रहा है, हमको बीपी हो रहा है, हमको हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है। ध्यान में रखिए, दिवाली का फराड़, जी हाँ, आपको बिल्कुल खाना चाहिए। दिवाली के फराड़ में बनने वाली सारी चीज़ें, सारे ग्रुप के लोग, सारे एज ग्रुप के लोग, छोटे हो, बड़े हो, पेशेंट्स हो, सब एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बस ध्यान में एक बात रखनी है कि दिवाली का फराड़ आपके घर पे बना हुआ हो, उसमें शुद्ध देसी गाय का दूध और शुद्ध देसी गाय का घी और कच्चे घाने का शुद्ध तेल ही इस्तेमाल किया हुआ हो। तेल कौन सा यूज़ करना है वो अपने अपने रीजन पे डिपेंड होता है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप नॉर्थन साइड के हो तो आप सूर्यफूल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप यूपी एमपी के हो तो वहाँ पे सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर याद रखिए कि कच्चे घाने का शुद्ध तेल और देसी गाय का शुद्ध घी ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो हम दिवाली पे करते हैं वो है अभ्यंग स्नान। तो अभ्यंग स्नान का जितना बहुत सारे लोगों को मतलब पता होता है, तो वो क्या करते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन उठते हैं, दुकान में जाते हैं, उपटन खरीद के लाते हैं, नहाते वक्त उसको साबुन की तरह रगड़ते हैं और हो गया अभ्यंग स्नान। पर दोस्तों, अभ्यंग स्नान का असली मतलब क्या है? अभ्यंग स्नान का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर सिर से लेकर पाँव तक
पूरे शरीर के अच्छे से तेल लगाकर मालिश करें, कानों में तेल के ड्रॉप्स डालें और फिर उबटन से स्नान करें। इसका ये होता है असली अभ्यंग स्नान। और ये सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही नहीं करना चाहिए बल्कि पूरे कार्तिक मास में, मतलब दिवाली से लेकर संक्रांति तक के पूरे पीरियड में ये अभ्यंग स्नान किया जाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया तो दिवाली यानी कि शीत ऋतु का आरंभ, शीत ऋतु यानी कि शरीर में वात बढ़ने का आरंभ, और ब्रह्म मुहूर्तों का जो समय होता है वो भी हमारे शरीर में वात बढ़ने का समय होता है। तो अगर हमारे शरीर में ये जो बढ़ा हुआ वात है हमें उसको कम करना है तो हमें क्या करना है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त पर उठ के सिर से लेकर पाँव तक अच्छे से तेल से मालिश करके अभ्यंग स्नान करना है। और जब हम ये अभ्यंग स्नान करते हैं तो सिर, कान और हमारे तलवों के ऊपर हमें विशेष रूप से तेल से अच्छे से मालिश करनी चाहिए। और सिर्फ नरक चतुर्दशी ही नहीं बल्कि पूरे कार्तिक मास में ये अभ्यंग स्नान किया जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो वात विकार है, जो भी विषैले पदार्थ है, वो सारे बाहर निकल जाते हैं और साथ ही साथ हमें सुंदर त्वचा ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। दोस्तों दिवाली से लेकर संक्रांति तक हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कुछ इस प्रकार से एक्ट करता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर इस दौरान कार्तिक मास के दौरान अगर हम बीज बोते हैं तो वो उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करता है जितना वो साल के अन्य टाइम पर अन्य किसी भी पीरियड में वो ग्रो कर पाता है। इस समय पे हमारे माइंड की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इन दीज डेज वी फील लिटिल लो देन अदर एनी अदर डेज इन द ईयर। मतलब साल के किसी भी टाइम पे या फिर या कार्तिक मास छोड़ के साल के अन्य वक्त पे हम जितना फ्रेश महसूस करते हैं, जितना पॉजिटिव महसूस करते हैं, वो इस समय पे नहीं महसूस कर सकते हैं। इस समय पे जो होता है वो डिप्रेशन, मानसिक तनाव के हम बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में अगर हम पूरे महीने पर अभ्यंग स्नान करते हैं तो हमारे शरीर और मन की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नियमित रहता है, नियंत्रित रहता है, और हमारा जो रक्त प्रवाह या फिर हमारे बॉडी में जितने भी द्रव है उनका प्रवाह जो होता है उसमें सुधार आता है। तो दिवाली के समय पे पूरे महीना भर किया हुआ अभ्यंग स्नान ना तो आपको सिर्फ अच्छी त्वचा बल्कि अच्छा स्वास्थ्य भी लाभ दे सकता है। तो अब देखते हैं कि अभ्यंग स्नान कैसे किया जाना चाहिए। दोस्तों अभ्यंग स्नान के समय पर जब हम मालिश करते हैं तो हमें सबसे पहले सिर से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छी तरह से सिर में और बालों में अच्छी तरह से तेल लगा के मसाज करें, फिर ऊपर से नीचे आते हुए चेहरा, कान, गर्दन, कंधे, पेट, पीठ, हाथ और पैर, इन सबकी अच्छे से तेल लगा के मालिश करनी चाहिए। मालिश के बाद 15 से 20 मिनट तक तेल रगे रहने दें और बाद में उबटन के साथ स्नान कर ले। दोस्तों अभ्यंग स्नान के वक्त सिर की अच्छे से तेल लगा के मालिश करना, ये ना तो हमारे सिर्फ बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे ना तो सिर्फ बालों में अच्छी तरह से बढ़ोतरी होती है बल्कि हमारे आँखों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है। अभ्यंग स्नान के वक्त कानों में तेल डालने का भी विशेष महत्व है। दोस्तों कान में अगर हम 2 से 3 ड्रॉप नारियल तेल की डालते हैं या फिर तिल के तेल की डालते हैं तो इससे हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ वात होता है वो कम होता है। इससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। तो दोस्तों इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम कार्तिक मास के दौरान ये फिर ठंड का ये जो मौसम है, दिवाली का जो त्यौहार होता है वो बेसिकली हमारे वात को कम करने के लिए होता है। फराड़ खा के हम अंदर से हमारा वात कम कर रहे हैं और अभ्यंग स्नान के द्वारा क्या होता है, हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ जो वात होता है उसकी वजह से जो हमारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम कम करते हैं अभ्यंग स्नान के द्वारा मालिश करके। तो ये है असली उद्देश्य हमारा अभ्यंग स्नान का और फराड़ का। दोस्तों अभ्यंग स्नान करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी तेल मालिश के लिए इस्तेमाल करें वो कच्चे खाने का और शुद्ध तेल ही हो। आप चाहे नारियल का तेल इस्तेमाल करें या फिर तिल का इस्तेमाल करें या फिर जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मालिश के लिए, पर ध्यान रहे कि वो प्योर तेल हो, ना कि बाजार में मिलने वाला केमिकल वाला तेल हो। और जब भी अभ्यंग स्नान करें ध्यान रखें कि तेल हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। तो इस प्रकार से अभ्यंग स्नान हो सके तो आप हर रोज़ करें, पर हर रोज़ भी आपको पॉसिबल नहीं है तो कम से कम दिवाली का ये जो एक महीना है, कार्तिक मास जो होता है जिसमें ठंड बढ़ी हुई होती है, हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है, कम से कम ये एक महीना तो आप हर रोज़ अभ्यंग स्नान ज़रूर कीजिए। तो देखा दोस्तों, ये था असली मकसद अभ्यंग स्नान के पीछे का, ये था असली मकसद फराड़ के पीछे का। पर आजकल क्या हो गया है, जब दिवाली आई भी नहीं होती है तो उसके 2 महीने पहले से ही दुकानों में मोती साबुन के ढेर लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली मतलब मोती साबुन, ऐसा कहीं पे एक इक्वेशन बन चुका है हर घर में। सबको लगता है दिवाली आई है मतलब मोती साबुन लाना चाहिए, दिवाली आई है मतलब कैडबरी सेलिब्रेशन घर में आना चाहिए। पर ये सारी जो चीज़ें हैं
बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल बकवास है, सारे केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं उसमें। इससे हमारे बॉडी को कुछ फ़ायदा तो नहीं होता है, बल्कि साबुन में जो केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं उससे उल्टा हमारे बॉडी को हार्म ही होता है। हम जो अभ्यंगा स्नान के वक्त हम जो तेल मालिश कर रहे हैं, हम जो उबटन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा कुछ फ़ायदा है, बहुत अच्छा हमारे बॉडी को कुछ मिलने वाला है, इसीलिए हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया जाता है वो सच होता है, ये बात बिल्कुल आप समझना छोड़ ही दीजिए कि एडवर्टीजमेंट में जो दिखाता है वो सच होता है। बिल्कुल 100% गलत बात है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट में जो भी दिखाया जाता है वो 100% गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, इतना राइट हमारे भारत सरकार ने इन कंपनी वालों को दे रखा है। तो एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाता है दिखाते हैं इस पर आप मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। और हमारे जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी, मतलब अभ्यंग स्नान, हमारा फराळ, ये चीज़ें है जो है इनका कुछ कुछ अच्छा मकसद है हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए। तो इनको इन चीज़ों को हमसे दूर ना होने दीजिए। दोस्तों दिवाली में की जाने वाली अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है दीप प्रज्वलन। दोस्तों दिवाली के टाइम पे हम सभी हमारे घरों में दिए जलाते हैं, कई जगहों पर तो लोग अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग कलर्स के लाइटिंग्स खरीद के लाते हैं और अपने घर में लगाते हैं। बिकॉज दिवाली का मतलब ही यही होता है, दीप अवली मतलब दीपों की माला। तो हम पूरे घर में दीप लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, रोशनी करते हैं। दिवाली इज़ नथिंग बट अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, है ना। और लाइट हमारे जीवन की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर लाइट ना हो तो हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि हम हमारी आंखें जो है वो अंधेरे में नहीं देख सकती है। अगर लाइट ना हो तो हम देख नहीं पाते हैं, और वैसे भी अगर लाइट ना हो अगर फिर भी हम देख पाते तो फिर हम उल्लू कहलाते हैं, है कि नहीं। तो जोक सपाट, तो जैसे कि पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये 30-40 दिन जो होते हैं, ये जो कार्तिक मास जो होता है, इस समय ग्रहों की स्थिति या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ही कुछ इस प्रकार होता है कि वी फील लिटिल लो इन दिस डेज एज कम्पेयर टू साल के बाकी सारे डेज के कंपेरिजन में। तो होता क्या है, इन 30-40 दिनों में या फिर इस एक महीने में हम ज़्यादा मानसिक तनाव या फिर डिप्रेशन या फिर टेंशन महसूस करते हैं साल के अन्य दिनों के मुकाबले। इसीलिए दिवाली के समय पर हम ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाते हैं, घर का हर कोना रोशन करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो और हमें ज़्यादा से घर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़े और हम कम से कम लो फील करें। और दोस्तों पुराने पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा घी के दिए जलाते थे, देसी घी के दिए जलाते थे, क्योंकि उस समय पर डालडा नहीं था। तो देसी घी जलाने का भी बहुत अच्छा फ़ायदा है दोस्तों, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि जब हम देसी घी जलाते हैं तो 10 ग्राम घी जलाने से 1.5 टन ऑक्सीजन हमारे वातावरण में जनरेट होता है। आप सोचिए सिर्फ 10 ग्राम घी जलाने से 1 से 1.5 टन ऑक्सीजन जनरेट होता है, और आजकल वैसे भी ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाले भी जितने भी बीमारियां हैं, श्वसन तंत्र की बीमारियां हो या फिर मानसिक बीमारियां हो, वो इस दौरान कम हो सकती है। या फिर ये जो मानसिक तनाव से हम गुजरते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से वो मानसिक तनाव भी कम होता है, हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें दिवाली में जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी के दिए जलाने चाहिए। कितने जलाने चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आप घर का हर कोना रोशन करना चाहते हो आप कर सकते हो, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी के दिए आप जला सकते हो। दोस्तों कहा जाता है कि गरीब ने इसलिए कहा जाता है कि गरीब जो होता है उसने घी जलाना चाहिए और अमीर जो होता है उसने घी खाना चाहिए। सोचिए दोस्तों, क्योंकि गरीब जब एक घी का दिया जलाता है तो उसका जो फ़ायदा है, उससे जो मिलने वाला ऑक्सीजन है वो उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे वातावरण को मिलता है। जबकि हम जब घी खाते हैं तो वो जो घी का फ़ायदा होता है वो खाने वाले तक ही सीमित होता है। तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज है उनको अच्छे से फॉलो करें, जैसा बताया गया है वैसे ही फॉलो करें। तो अगर आप फराळ बनाने के लिए या फिर अभ्यंग स्नान के लिए शुद्ध तेल चाहिए या फिर शुद्ध घी को ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने आजू बाजू में सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं लकड़ी खाना आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको शुद्ध तेल मूंगफली का हो, सरसों का हो, आप लेके जाइए मूंगफली या फिर सरसों उनके पास, वो आपको तेल निकाल के दे देंगे। वही तेल आप फिल्टर करके इस्तेमाल कर सकते हैं एज इट इज़। और अगर आपको देसी गाय का घी चाहिए तो आप अपने नियर बाय जो भी गौशाला हो वहाँ पे जाइए, देसी गाय का घी उनसे मांगिए, वो आपको अवेलेबल कर देंगे। और अगर इतना करके भी आपको शुद्ध तेल और शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। तो देखा दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने जाना कि हमारे जो त्यौहार होते हैं उनका ना तो सिर्फ धार्मिक महत्व होता है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितना लाभदायक और कितना हेल्पफुल होता है।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और अलग अलग त्योहारों में जो अलग अलग हम चीज़ें करते हैं या फिर अलग अलग रिवाज हम फॉलो करते हैं उनके आरोग्यवर्धक लाभ मैं आपके लिए आगे जाके भी लेके आती रहूँगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।